फिल्में सिर्फ हीरो हीरोइन को लेकर नहीं बनती हैं, कई ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं फिल्मों में जिसके बारे में कभी भी बात नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सपोर्टिंग आर्टिस्ट, जिनके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। सपोर्टिंग आर्टिस्ट या कैरेक्टर आर्टिस्ट, ऐसे लोग जो फिल्म के ऑलमोस्ट हर सीन में नज़र आते हैं लेकिन वो शोहरत वो कभी भी नहीं पा पाते। आज मैं प्रेमनाथ जी के बारे में बात करूंगा, जिन्होंने एक जमाने में एज अ लीडिंग हीरो की तरह काम किया था इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन उसके बाद वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट बने फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उनकी एक आइकॉनिक फिल्म बॉबी का एक वाक्या है मेरे पास जो मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इसी वीडियो में। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विद राहुल। आपने एक टर्म सुना होगा, मेथड एक्टिंग। कई लोग ऐसा करते हैं जहां कैरेक्टर को जीने के लिए वो कैरेक्टर की जिंदगी में कुछ दिन एक्चुअली जाके बिताते हैं। ये सब बहुत फैंसी टर्म्स हैं जो आजकल बने हैं, लेकिन उस जमाने में अपने ढंग से ही प्रेमनाथ जी ने मेथड एक्टिंग का सहारा लिया था इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए, यानी बॉबी के जैक ब्रिगेंजा वाले रोल को प्रिपेयर करने के लिए। एक मछुआरे का रोल करने के लिए प्रेमनाथ जी मछुआरों की बस्ती में जाकर रहे थे, मछुआरों की जिंदगी को उन्होंने जिया, उनके साथ मछली पकड़ी, जो खाना मिला वो खाया, और इस तरह प्रेमनाथ जी ने अपने उस बॉबी वाले रोल की प्रिपरेशन की थी। फिल्म बॉबी में जब ऋषि कपूर अपने रियल लाइफ मामा और रियल लाइफ में होने वाले ससुर प्रेमनाथ उर्फ जैक ब्रिगेंजा से मिलने जाते हैं, तो जैक ब्रिगेंजा कमरे से बाहर आते हैं एक नीले रंग का सूट पहनकर, जिस सूट की जिप खुली होती है। उस सूट के पीछे एक छोटी सी कहानी है। आई नीड टू टेल यू दैट बॉबी की शूटिंग आरके स्टूडियोज में हो रही थी जब राज कपूर साहब की फिल्मों का ऑफिशियल ड्रेसमैन, टेलर, जो भी आप उसे कह लें, वो प्रेमनाथ जी का सूट लेके आया और प्रेमनाथ जी ने उसे पहना तो गुस्सा गए। उन्होंने ये कहा कि ये सूट प्रेमनाथ के लिए ठीक है लेकिन जैक ब्रिगेंजा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेमनाथ जी अपने कैरेक्टर को इस तरह पकड़ चुके थे कि उन्होंने जैक ब्रिगेंजा कैसा दिखेगा या एक सर्टेन सिचुएशन में कैसे कपड़े पहनेगा वो इमेजिन कर लिया था। राज कपूर साहब के ऑफिशियल ड्रेसमैन का बनाया हुआ सूट उन्होंने वहीं फेंक दिया, गुस्से में आरके स्टूडियोज से निकलकर बाहर चले गए। स्टूडियो के लोगों को ऐसा लगा कि प्रेमनाथ जी का शायद सूट कुछ अच्छा नहीं बना, उनको इतना बुरा लग गया कि वो चले गए, जरा प्रेमनाथ जी को पकड़ो, बुलाओ, कहां गए वो। उस जमाने में मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, सो प्रेमनाथ जी कहां गए ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। 2 घंटे बाद प्रेमनाथ जी वापस आए और अपने साथ लाए एक 20 साल पुराना उन्हीं का पहना हुआ सूट, और उसके बाद वो सूट प्रेमनाथ जी ने पहना और जैक ब्रिगेंजा का लुक कंप्लीट किया। वो सूट जब प्रेमनाथ जी ने बनाया था तो उनकी कमर कुछ कम थी, वो सूट उन्हें प्रॉपरली आता था, लेकिन फाइनली जब उन्होंने फिल्म बॉबी के लिए वो सूट पहना तो उसकी जिप बंद नहीं होती थी, एंड दैट वाज द लुक जो प्रेमनाथ जी चाहते थे उस कैरेक्टर के लिए। जिस तरह प्रेमनाथ जी ने अपना लुक बॉबी में खुद चुना, डिसाइड किया, सोचा, उसी तरह प्राण साहब भी अपने लुक्स खुद डिसाइड किया करते थे अपनी फिल्मों के लिए। अलग अलग दाढ़ियां लगाते थे, अलग अलग तरह से चलते थे, अलग अलग ढंग से कैमरे को देखते थे। प्राण साहब ने एक बार मुक्का भी खाया था शम्मी कपूर साहब का, उस बारे में हमने एक वीडियो बनाया। इन केस यू हैवंट सीन दिस, आप इस वीडियो पे जरूर क्लिक करिएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। टाटा।